साल 1979 में आई फिल्म दाता में मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करके मशहूर होने वाली अभिनेत्री पल्लवी जोशी इस फिल्म में मिथुन की बहन का मासूम और सॉफ्ट किरदार निभाते हुए काफी जवान, खूबसूरत और चंचल नजर आई थी। लेकिन दोस्तों, आज इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 34 साल बीत गए और इन बीते सालों में अभिनेत्री पल्लवी जोशी में काफी ज्यादा बदलाव आ गए हैं। इसलिए तो आज ये कहाँ हैं, क्या कर रही हैं और कैसे दिखाई देती हैं कोई भी नहीं जानता। मगर आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन सब सवालों का जवाब देने वाले हैं और इनसे रूबरू कराने वाले हैं। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साल 1979 की फिल्म दाता में मिथुन की बहन शांति का किरदार निभाकर मशहूर अभिनेत्री पल्लवी जोशी का जन्म 4 अप्रैल 1959 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, जहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पर अगर बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने काफी कम उम्र में बाल कलाकार के रूप में 1977 की फिल्म आदमी सड़क का में अभिनय किया, जिसके बाद इन्होंने कई छोटी मोटी फिल्मों में काम किया और बड़े होने के बाद ही हमें दाता, मुजरिम और क्रोध जैसी कई फिल्मों में नजर आए, जिनमें काम करके एक सुपरस्टार बनी, क्योंकि दर्शकों ने इनकी एक्टिंग से लेकर इनकी खूबसूरती को बहुत पसंद किया और इन्हें खुले दिल से अपनाया। वहीं बात की जाए बीते सालों में इनके अंदर आए बदलावों की, तो जहां फिल्म में ये हमें दुल्हन के रूप में यानी लाल जोड़ा पहने गहनों के साथ काफी यंग और खूबसूरत नजर आई थी, तो वहीं आज 53 साल की हो गई हैं और आज ये खूबसूरत और स्टाइलिश साड़ी पहन तो कभी सूट में छोटे हेयर स्टाइल के साथ काफी उम्र दराज दिखाई देती हैं। इसके साथ आपको बता दें कि अभी भी इन्होंने एक्टिंग करियर को जारी रखा हुआ है और लास्ट टाइम ये हमें 2022 की फिल्म द कश्मीर फाइल में नजर आई थी, जो कि इनके पति विवेक रंजन अग्निहोत्री ने डायरेक्ट की थी, जिनसे इन्होंने 1997 में शादी की थी। तो दोस्तों, आपको इस लाजवाब अभिनेत्री से मिलकर कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।